पर अगर शीतल ने जिंदगी में कोई एक अच्छा काम किया है तो वो ये कि उसने देवराज का ये केस तुम्हें हैंडल करने के लिए सौंप दिया। मेरी और शीतल मैडम की सोच नदी के दो किनारों की तरह है, वो सिर्फ केस लड़ना जानती है और मैं केस सॉल्व करना। जब मैंने दामिनी का केस स्टडी किया था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत गलत केस ले लिया, क्योंकि देवराज हर तरह से गलत था और दामिनी बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने दामिनी का साथ देने का फैसला किया। औरत के दो रूप होते हैं, एक जो सब कुछ बर्बाद कर देती है और दूसरा रूप जो बिगड़ी हुई बातों को बना देती है, जिसे लोग घर की लक्ष्मी कहते हैं। इन दोनों रूपों में से मैं कौन हूं? मैं सच बताऊं तो श्रद्धा तुम औरत हो ही नहीं। What? मेरा मतलब यह है कि तुम तो एंजल हो, फरिश्ता। श्रद्धा के रूप में आई और तुमने दामिनी को एक नई जिंदगी दी। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं श्रद्धा, मैं सच कह रहा हूं। मैं अपनी भांजी से बहुत प्यार करता हूं। अगर ये केस हार जाता हूं तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। कानून एक अच्छे लॉयर को खो देता, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा ताकि कानून में एक अच्छा लॉयर बना रहे। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। श्रद्धा तुम्हें एक ड्यूटी और निभानी है। कौन सी? बर्नडी की बर्थडे को यादगार बनाने की। तुम जानती हो श्रद्धा, जिंदगी भर में हमेशा मुझे एक दुख रहेगा। बंटी को मैं सब कुछ दे पाया, सिर्फ मैं उसे माँ का प्यार नहीं दे पाया। आप आने वाले कल के बारे में ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं? हो सकता है कल आपकी भी जिंदगी में भी कोई आ जाए और बंटी को माँ का प्यार दे दे। नहीं श्रद्धा, ये सब कहने की बात है। कोई किसी से ऐसे रिश्ता नहीं बनाता। हर रिश्ते में एक मतलब छुपा हुआ होता है। रिश्तों में मतलब नहीं, प्यार छुपा होता है। देंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ये सब कहने की बातें श्रद्धा, कहने को तो बहुत है हम सफर इस संसार में, चलता नहीं है दो कदम कोई भी साथिया। चलो श्रद्धा, हम तो फिर से बातों में उलझ गए। बंटी वहां हमारा इंतजार कर रहा होगा। भोजन कैसा था बाबूजी? बढ़िया था। बढ़िया तो होगा ही ना, किसकी शामत आई है जो हमसे गड़बड़ करे। आपको पता है माँ जी, आपके बिटुए का यहाँ बहुत नाम चलता है। अच्छा हरिलाल, अगर तुम्हारा इतना ही नाम चलता है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते हो? आपको क्या बताएं माँ जी, उसमें भी बहुत बड़ी स्टोरी है। सुनाए क्या? हाँ बोलो। आपको क्या बताएं माँ जी, हमने भी स्टेटमैन यानी सीधा आदमी बनने की बहुत कोशिश किया। हमने एक होटल खोल लिया। होटल में कोई खाने पीने आता ही नहीं था, सिर्फ पैसे भिजवा दिया करते थे। अरे हमें गुस्सा आ गया, हमने होटल बंद कर दिया। तो बेटा दोबारा कोशिश क्यों नहीं की? क्या बताएं माँ जी, हमने दोबारा भी कोशिश किया लेकिन इस टाइम हमने एक रिक्शा डाल लिया, एक ड्राइवर भी रखा, लेकिन अब क्या बताएं माँ जी, ड्राइवर था वो रिक्शा चलाता ही नहीं था, बस पैसे भिजवा दिया करता था। हमारा भेजा घूम गया और हमने खुद से रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। ये तुमने अच्छा किया। आगे तो सुनिए माँ जी, एक दिन हमने एक ही साथ दो लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया, बस कहानी वहीं खत्म हो गई और हमने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और फिर से हमने रंगदारी शुरू कर दी। क्यों, कोई नौकरी क्यों नहीं की? अरे बाबूजी, कितनी बार हम नौकरी मांगने गए लेकिन लोग हमारा मजाक उड़ाते, तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, तू नौकरी क्या करेगा रे? हरिलाल, तुम हमारे साथ मुंबई चलोगे? बिल्कुल चलेंगे माँ जी, आप हमें वहाँ नौकरी दिलाएंगे क्या? हाँ दिलवाएंगे ना। आपके पास नौकरी करना होगा क्या? हाँ मेरे कपड़े की मिल है, वो ठीक से चल नहीं। अरे बाबूजी, हम जाएंगे ना तो दौड़ने लगेगी। ठीक है बेटा, हम गोकुलाष्टमी के बाद जाएंगे, तुम भी चलना हमारे साथ। ठीक है बाबूजी, अगर हमारी लाइफ सेट होगी ना तो हम पूरी जिंदगी आपका दास बनकर रहेंगे। बनाइएगा ना बाजी अपना दास हमें। चुप कर पगले, तो दास थोड़े ही है हमारा, बिल्कुल बेटे जैसा है। ये समझ ले कि तुझे गोद ले लिया हमने। अरे बेटा, गोद ले लिया? हाँ माँ जी, जरूर कोई हमारे पिछले जन्म का पुण्य कर्म होगा जो हमें आप जैसे लोग मिले, जो आप लोग हमें अपना बेटा बना लिए। अब आप देखिएगा हम अपना फर्ज कैसे निभाते हैं। बेटा चलने के लिए तैयार हो जाओ। अरे
अरे माँ जी, सामान बांधने जाना है ना। अभी से? अरे भाऊजी, आपने तो वो सुना ही है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो इसलिए अब जा रहे हैं सामान बांधने। पगला है बिल्कुल। बनवारी, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों सर? वो इसलिए कि मुझे इस बात का यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि इस मॉल से मुझे बहुत नाम मिलेगा, मेरा बहुत फायदा होगा। सर, इतने सारे टेंडर्स को देख के लग रहा है कि बहुत लोगों की ये मॉल पे नजर है। होगी ही, क्योंकि उन सबको पता है कि इससे उनका कितना फायदा है। सर एक बात कहूं? कहो। आपने जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, फलस्वरूप इस जन्म में आपको आशियाना मिल रहा है। पहली बार जिंदगी में, पहली बार तुमने सही बात कही है बनवारी। सर एक और बार कहिए। बनवारी? हाँ। आप जब भी मुझे बनवारी कहते हैं ना, ऐसा लगता है कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। लेकिन जब आप शंकर कहते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में मेरे लिए प्यार है ही नहीं। वो इसलिए शंकर कि तुम्हारा नाम शंकर है, लेकिन शक्ल जो है ना वो रावण जैसी। तुम्हारा नाम रावण होना चाहिए। हाँ, रावण भी बहुत बुद्धिमान था। बिल्कुल मेरी तरह, राइट। और आजकल तो रावण नाम की फिल्में बनती है। तो ये तय हो गया कि आज से तुम्हारा नाम रावण, मैं रावण कह के पुकारू। नहीं 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 सर। हाँ, शंकर बनवारी चले। शंकर बनवारी चले, चलेगा ना। तुम्हारा नाम रावण होना चाहिए। हाँ, रावण भी बहुत बुद्धिमान था। बिल्कुल मेरी तरह, राइट। और आजकल तो रावण नाम की फिल्में बनती है। तो ये तय हो गया कि आज से तुम्हारा नाम रावण, मैं रावण कह के पुकारू। नहीं 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 सर। हाँ, शंकर बनवारी चले। शंकर बनवारी चले, चलेगा ना। अच्छा यार, एक बात बताओ, तुम हमेशा फिल्म की मिसाल दे देते हो, है ना, हर बात पर। आज मैं इतना खुश हूँ तो इस बात पर कोई फिल्म की मिसाल। अरे दो यार, मैं बहुत खुश हूँ। दे दो। पक्का? पक्का। मुगेम्बो था ना, मुगेम्बो। हाँ था। वो भी बहुत खुश हुआ। हाँ मुझे पता है। लेकिन उसका दी एंड। शट अप। शट अप। तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। जब भी मैं खुश होता हूँ तुम दुखी हो जाते हो। नहीं, कुछ भी बोलते रहते हो। नहीं सर, ऐसा नहीं। शट अप। सर आउट। सर सुनिए। आउट। सर मैं आउट। हो गया हम खुश। बेटे खाना कैसा था? सो, लेकिन आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। बेटे बुरी बात कहने दीजिए ना, बच्चा है। कहते हैं बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। आंटी मैं भी झूठ ही बोल रहा था, खाना भी बहुत अच्छा था। बेटे पापा से डर कर तो नहीं कह रहे हो ना? नहीं आंटी, खाना सचमुच बहुत अच्छा था, आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है। थैंक्स बेटा। श्रद्धा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज पहली बार उससे पूरा खाना खाया है, वरना हमेशा बस मुझसे झूठ बोलकर कभी पिज्जा कभी बर्गर बस खा लेता था। बंटी बेटे, ये सब चीजें खाने से पेट खराब हो जाता है, और अगर बड़े होकर स्मार्ट बनना है ना, तो ठीक से खाना खाना पड़ेगा। ओके आंटी। लो अब आइए आप, बंटी के अगले जन्मदिन पर आती तो भी चलता। सॉरी मामा जी, वो मैं कहीं फंस गई थी, ये छोड़िए। हैप्पी बर्थडे बंटी। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। अरे अरे, इतना गुस्सा, अभी हंसाती हूँ, अभी हंसाती हूँ। मैं आपसे कटती हूँ। अच्छा बाबा, सॉरी बोलती हूँ। अब कान पकड़ के उठक बैठक करो। बस 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 भाई, मस्ती मजाक बहुत हो गई। अब ये बताओ अभी आगे का प्रोग्राम क्या है? आज बंटी का बर्थडे है, हम लोग मिलकर कहीं बाहर जाते हैं, पूरा दिन सेलिब्रेट करेंगे। गुड। श्रद्धा तुमने दामिनी को वो खुशखबर नहीं दी? पता है दामिनी, देवराज केस वापस लेने के लिए तैयार है। कौन सा केस? अरे आशियाना वाला केस, उसी की बात कर रही हूँ। लेकिन श्रद्धा जी, मुझे देवराज अंकल पे बिल्कुल विश्वास नहीं। उसने कहा है सारी फॉर्मेलिटीज कर लो, मैंने झट से पेपर्स तैयार कर लिए, अब बस सिर्फ उसकी साइन लेना बाकी है।
आप बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, फौरन उनके साइन ले लीजिए, पता नहीं उनका दिल कब बदल जाए। उसी कोशिश में हूँ। पता है केस वापस लेने के बाद जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वो पागल हो जाएंगे। कैसी सच्चाई? ये मामा जी मुझे सच बोलने से रोक क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। दुकान और मकान दो अलग जगह है। जो कोई इसे एक करना चाहता है तब न दुकान रहती न मकान। मतलब मामा जी? मेरा मतलब यह है कि माना कि श्रद्धा हमारा साथ दे रही है, पर आखिर वो एडवोकेट देवराज की है ना। पता नहीं कब कहां कैसे हालात में उसे देवराज का साथ देना पड़ जाए। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है? देखो दामिनी, वक्त और हालात का भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब क्या हो जाए, और इसीलिए हमारे इस केस की जीत की जो पॉइंट्स है वो मैं नहीं चाहता कि हम श्रद्धा के सामने डिस्कस करें, जो तुम करने वाली थी। मामा जी आप सही कह रहे हैं, पर मुझे श्रद्धा पर पूरा विश्वास है। दामिनी, विश्वास तो मुझे भी है श्रद्धा पर, मैं सिर्फ और सेफ साइड कह रहा था। और एक बात याद रखना, हमने जो ये जाल बिछाया है, अगर इस जाल को एक बार देवराज ने काटना शुरू कर दिया तो ना फिर हमारे पास संभलने का मौका होगा और ना ही हम ये केस जीत पाएंगे। आइंदा ध्यान रखूंगी मामा जी। देखो दानी, हर इंसान के दिल में रिश्ते की कदर होती है, जज्बात का एहसास होता है, जीत की उम्मीद होती है और जिंदगी में कुछ कर दिखाने के अरमान होते हैं। और जब इंसान इन सब से गुजरता है तो रिश्ते और जज्बात अक्सर हार जाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि रिश्ते निभाने के साथ साथ हमें इन सभी का ख्याल रखना पड़ता है। सही कह रहे आप मामा जी। अगर अगर मैं उसे साइन वाली बात बता देती और देवराज अगर उसको अपने साथ मिला लेता तो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी उन्हें पता चल जाती और एक मुसीबत खड़ी हो जाती। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे आपके कारण चुप होना पड़ा। अजीत, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तुम दिव्या से शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी शादी तो कर लूं मैं, लेकिन उसके पापा मुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं। तुम दिव्या से शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी शादी तो कर लूं मैं, लेकिन उसके पापा मुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं बनना घर जमाई। पता है भाभी, घर जमाई को लोग क्या कहते हैं? चोरू का गुलाम। अजीत, लोगों की सुनोगे ना तो जी नहीं पाओगे। और वैसे भी घर जमाई बनना तो खुशकिस्मती की बात होती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि दुनिया के हर मर्द को घर जमाई ही बनना चाहिए। तो भाभी, विदाई फिर लड़कियों की नहीं लड़कों की होनी चाहिए, हाँ? अजीत, तो इसमें बुराई क्या है? तो कन्यादान के बजाय लड़के दान होंगे। वाह भाभी, आप तो ग्रेट हो। अजीत, अगर ससुराल जाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। फिर तो पत्नी ये भी बोलेगी, मैं बिजनेस संभालती हूँ, तुम किचन संभालो, है ना? हाँ, अगर घर जमाई बनना है तो ये भी करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना ये सब, मैं नहीं करूंगा। अरे अरे अजीत, तुम तो डर गए, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा अब सुनो, घर जमाई बनने के बहुत फायदे हैं, तुम्हें मेरी बात समझ आए तो बहुत अच्छी बात। देखो, देवराज अंकल का इतना बड़ा बिजनेस है जो तुम्हारे हाथ आ जाएगा और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और उनकी प्रॉपर्टीज वो भी सब तुम्हारे नाम हो जाएंगी। उसके बाद आलीशान घर,
ऐशो आराम की जिंदगी सोचो अजीत। ये बात तो सही है भाभी, लेकिन वहां जाके सचमुच में चोरू का गुलाम बनना पड़ा तो? एक बात बताओ, तुम दिव्या से प्यार करते हो ना? बिल्कुल। तो बस दिव्या को प्यार से अपने हाथ में रखो और फिर देखो जलवे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बाद में पछताना पड़े? तुम मर्दों की ना यही प्रॉब्लम है, औरत को तो फौरन दासी बना लेते हो लेकिन जब अपनी बारी आती है तो घबरा जाते हो। तो क्या करूं भाभी, आप ही बताइए। तो ठीक है, मैं देवराज अंकल से जाकर बात करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि तुम घर जमाई बनने के लिए राजी हो गए हो और वो शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर दे। दिव्या, इस मॉल के लिए इतने टेंडर्स आए हैं, इतने टेंडर्स आए हैं। अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो गया ना तो इस मॉल से हमें इतना फायदा होगा कि हमारी सात पुश्तें आराम से बैठकर ऐश करेंगी। भगवान करे ऐसा ही हो, कितना मजा आएगा ना। अरे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पानी की तरह पैसे बहा रहा हूँ ताकि जब पैसे आए तो सैलाब की तरह आए। एक बात कहूं, इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, अपनी पूरी दौलत लगा ले, पर वही होता है जो ईश्वर चाहता है। इसलिए अपनी मेहनत के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखिए, फिर देखिए। ईश्वर पर विश्वास तो हर इंसान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए। क्यों दिव्या, सही कहा ना? बिल्कुल ठीक पापा, लेकिन आपने मॉल का नाम क्या सोचा है? वैसे अभी तक सोचा नहीं है, सबकी राय लूंगा फिर सोचूंगा। सुनिए, मेरे दिमाग में एक नाम है। सुनिए, मेरे दिमाग में एक नाम है, आप कहे तो बता दो। हाँ कहो। क्यों ना हम अपने मॉल का नाम आशियाना रखें? पागल हुई हो तो? जिस नाम से मुझे इतनी चिढ़ है अपने मॉल का नाम वही रखने के लिए कह रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? लेकिन ये नाम रखने में हर्ज ही क्या है? बस, तुम्हारी राय मैंने नहीं मांगी है, अपनी राय अपने पास ही रखो। आप भी ना मम्मी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। अगर आशियाना नाम रख लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आपको अच्छे से पता है कि पापा को उस खानदान से कितनी नफरत है और उसके बावजूद भी आप हमेशा उन्हीं की तरफदारी करते हो। करूंगी, इसमें बुराई क्या है? आपको समझाना नामुमकिन है। सच ना बाप को पसंद है और ना बेटी को। पापा, पापा, कृष्णा आई है। कृष्णा? जी। इस वक्त क्यों आई हो? पापा, आप मम्मी की बातों को इतना बुरा क्यों मान लेते हैं? बेटा, वो ऐसी बातें कहती है ना कि मेरा बीपी हाई हो जाता है। पापा, आप लोगों की यही नोकझोंक तो आपके प्यार का हिस्सा है और इसके बिना आप रह भी नहीं सकते। अब चलिए, अपना मूड ठीक कीजिए और कृष्णा से मिलिए। अरे वो जब भी आती है कोई ना कोई प्रॉब्लम ही लेकर आती। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आशियाना जिसको आप हमेशा से अपना पाना चाहते थे वो तो आपको मिल ही गया था। नहीं बेटा, अभी अधूरा काम हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर इंद्रजीत की साइन चाहिए। ओरिजिनल पेपर्स का इंतजार कर रहा हूँ, वो मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम
दामिनी, उसके सिग्नेचर तो आपको मिल गए। हाँ, वही एक सबसे बड़ी परेशानी थी जो हल हो गई। तो क्या कहें तृष्णा से?